हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर जिले में लगातार अवैध हथियारों की रोकथाम को लेकर पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बीती रात धोरीमना थाना क्षेत्र के कबूली गांव में जिला विशेष टीम एवं धोरीमना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई अवैध हथियारों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 2 पिस्टल, 3 मैगजीन और 19 जिंदा कारतूस बरामद हुई है। जानकारी के अनुसार पुलिस को इत्तला मिली कि कबूली निवासी अवैध हथियार सप्लाई करने वाला आरोपी दिनेश अपने गाँव में ही है। पुलिस की टीम ने वहाँ दबिश दी तो दिनेश भागने लगा। इस पर पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त किया और तलाशी ली गयी। तलाशी 2 पिस्टल, 3 मैगजीन व 19 जिंदा कारतूस मिले। स्कॉर्पियो गाड़ी के नंबर नहीं होने के कारण और संदिग्ध लगने पर पुलिस ने उसे भी जब्त कर अग्रिम कार्रवाई शुरू की है। गौरतलब है कि दिनेश बिश्नोई के विरुद्ध जालोर और सिरोही जिले में कई NDPS के प्रकरण दर्ज हैं। साथ ही दिनेश सिरोही जिले का इनामी बदमाश भी है। आज श्री अचंद राम जी देवासी DST प्रभारी की इत्तला पर दिनेश जोधाराम बिश्नोई निवासी कबूली के घर पर दबिश दी। दबिश के दौरान दिनेश भागकर स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठा तो शक होने पर दिनेश की तलाशी ली तो उसके पास अवैध हथियार और कारतूस मिली। 2 पिस्टल, 3 मैगजीन और 19 जिंदे कारतूस मिले। और जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी उसके कागजात बाप ने पूछा तो अपने पास नहीं होना बताया और गाड़ी बिना नंबर की होने से इसकी जब्त की गई। दिनेश अवैध हथियारों का कारोबार करता है, जो सिरोही का मोस्ट वांटेड और इनामी अपराधी है। जालोर जिले में भी इसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकराम मेघवाल की रिपोर्ट।